हाय फ्रेंड्स, हमारे साथ अंकिता है जो अभी MBA फाइनल ईयर स्टूडेंट है। वो इसका प्लेसमेंट हो गया है इनर बिट मॉल। हाँ, इसके थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के बारे में हमको बताइए, कैसे आप आया हमारा यूनिवर्सिटी एंड क्या क्या हमारा यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। श्योर। हाई एवरी वन, एज यू सेड आई एम अंकिता सिंह राठौड एंड ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। मैंने इसके लिए बहुत कोशिश किया था आफ्टर माई BBA, सो आई एम अ BBA स्टूडेंट। आफ्टर माई BBA मैंने वन ईयर ट्राई किया इसमें एंड बाई गॉड ग्रेस आई हैव गॉट हियर एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हियर। दिस इज़ द वंडरफुल कॉलेज, आई कैन से फैकल्टी मेम्बर्स, एजुकेशन वाइज ऑल द फैसिलिटीज आर टू गुड। And yeah, I am placed in Innobit Mall, Hyderabad currently and working there. And very thankful to everyone here because I am very happy with my job. Yeah, talking about my subjects, I have taken MBA General in Marketing and HR. तो अंकिता, मेरे को बताइए, फर्स्ट जब आप कॉलेज आया तो हमारा यूनिवर्सिटी क्या क्या ऑफर करता है? MBA General, MBA Analytic, तुम कौन सा MBA General में? हाँ, तो उस टाइम में कितना सीट था एंड कब तुम एडमिशन लिया एंड कब प्लेसमेंट हुआ एंड तुम्हारा इंटर्नशिप है कि नहीं है? सो मेरा एडमिशन 2021 में हुआ था आफ्टर द लॉकडाउन। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो लॉकडाउन में ही गया एंड स्ट्रेंथ में हमारा 60 ही था बिकॉज हमारे सीनियर्स का 70 था तो दे हैव डिक्रीज्ड टू 60 एंड टोटल हमारा 60 ही था। अच्छा, ओके। सो या एंड कट ऑफ फॉर कैट इज फॉर जनरल आई थिंक इट शुड बी मोर देन 60% एंड फॉर STSC कैटेगरीज 35% इज इनफ आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन चेक इन द गूगल। एंड लाइक यू सीट इन इंटरव्यू? Yeah, I was in the interview and it was so good. I was like the first candidate. Like what question they asked? Questions they asked very basic, like your introduction should be very strong and you should be very much aware of what you have written in the resume. Tumhara resume hi tumhe define karega. So, itna strongly resume banao aur itna acche se padho ki वो आगे वाला क्वेश्चन नहीं करे। तो मैंने मेरे रेज्यूमे को इतना अच्छा उनको प्रेजेंट किया कि देयर वाज नो क्वेश्चन एक्चुअली, वेरी फ्यू क्वेश्चन वॉज देयर, क्योंकि मेरा नाम राठौड़ से स्टार्ट होता है, सो यू आर फ्रॉम विच प्लेस एंड ऑल, सो दैट वॉज द क्वेश्चन। एंड या सब्जेक्ट वाइज एज आई एम अ BBA स्टूडेंट, HR स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे HR रिलेटेड क्वेश्चन पूछा विच इज़ वेरी बेसिक, लाइक HR क्या होता है एंड यू नो ऑल द थियोरीज वगैरह होता है, उसके बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछा विच आई हैव डन सो गुड, दैट इज़ वाई आई एम हियर। देन आफ्टर दैट सिलेक्शन तो हो गया, एडमिशन हो गया, तो कोर्स फ्री हमारा यूनिवर्सिटी कितना? हाँ, तो आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज पर सेमेस्टर आई पेड 45,000, सो यू आई थिंक इट विल गो टिल अराउंड 2 lakhs चेंज बिकॉज आई एम काउंटिंग हॉस्टल फी ऑल्सो, सो 2 lakhs चेंज तक होता है। देन आफ्टर लाइक फोर्थ सेमेस्टर डन, नाउ योर फोर्थ सेमेस्टर, लाइक देन आवर कॉलेज एनी ऑफर इंटर्नशिप और यू सर्च योर ओन? सो बेसिकली वी हैव टू डू 2 internships. आई हैव डन माई इंटर्नशिप, आई सर्च माई, दे विल ऑफर यू द इंटर्नशिप, पर बिकॉज ऑफ रिसेशन एंड बिकॉज ऑफ यू नो इंटर्न फ्यू इश्यूज लाइक क्या आई डोंट नो, वी आई डेंट गेट एनी इंटर्नशिप हियर, तो मैंने अपनी साइड से ट्राई किया एंड आई डिड माई इंटर्नशिप इन एयर इंडिया फॉर 45 days, देर आई हैव वर्क एंड देन उसके बाद सेकेंड वाला इंटर्नशिप ऐसे ही ऑनलाइन पे किया था। Which company? इट्स रैंडम कुछ स्टार्टअप था, आई डोंट रिमेंबर, इट वॉज अ स्टार्टअप कंपनी। एंड देन नाउ जो फाइनल सेमिस्टर होता है वो रिसर्च बेस्ड होता है, पहले का वी हैव टू डू थ्रू दी इंटर्नशिप कंपनी जाके, वहाँ पे वी हैव टू डू द प्रोजेक्ट वर्क। जो फाइनल सेमिस्टर होता है वो हमें खुद को एक टॉपिक दिया जाता है फ्रॉम द गाइड एंड उस टॉपिक पे हमें रिसर्च करना पड़ता है। एंड टुडे इफ यू कैन सी मी आई एम वेयरिंग फॉर्मल, आज हमारा प्रेजेंटेशन था। देन अंकिता, इंटर्नशिप के बाद जो प्लेसमेंट तुम्हारा हुआ कहाँ पर हुआ एंड प्लेसमेंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा एंड लाइक हमारा यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट ऑफर किया था ना यूर ओन सर्चिंग प्लेसमेंट? तो इट वॉज थ्रू यूनिवर्सिटी ओनली, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया मेरा, प्रोसेस भी बहुत हैजल फ्री था एंड कंपनी इज Innobit Mall हैदराबाद, इट इज़ रहेजा ग्रुप, इफ़ यू नो द रहेजा माइंड स्पेस उन्हीं का है वो एंड माई पैकेज इज़ अराउंड 7.5 एंड थैंक यू एंड या इट इज़ मार्केटिंग फील्ड, आई मीन टू मार्केटिंग एंड लीजिंग।
टॉकिंग अबाउट द हैजल फ्री हाउ इट हैपेंड इन द यूनिवर्सिटी, मुझे पहले सेलेक्ट किया गया बिकॉज आई एम इन द मार्केटिंग एंड देन आई गेव अ इंटरव्यू टेलीफोनिक राउंड एंड देन आई वेंट एंड मेट द सीईओ ऑफ द कंपनी एंड दैट वॉज रियली गुड. दैट इंटरव्यू वॉज सो गुड. ही वॉज वेरी मच अमेज्ड बिकॉज आई हैव 2 years ऑफ रिटेल एक्सपीरियंस एज वेल. सो आई थिंक गॉड हैज डिसाइडेड दैट, सो दैट इज वाई आई एम वर्किंग देयर. लाइक आफ्टर बीबीए यू वर्किंग एनीवेयर? लाइक No, after BBA, after BBA, I have 2 years of experience. Oh, which company? Decathlon. Okay. I worked with Decathlon in retail store. Okay. That's good. And that's good thing is 2 lakhs you pay course free and 7.5 lakhs placement is... It's a crazy name. And our campus, how is feel? Like as a... मतलब जो एनवायरनमेंट कैसे रहता है एंड पढ़ाई के साथ साथ जो करिकुलर एक्टिविटी कैसे रहता है, जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप इसको क्या कहना चाहते हो? आई विल से प्लीज़ प्लीज़ चूज दिस कॉलेज बिकॉज नेचर इतना ब्यूटीफुल है. आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ एंड मैं आफ्टर माई मेडिटेशन एंड होगा आई गो फॉर अ वॉक. सुबह के टाइम यू हैव टू सी द कॉलेज. आई फील सो ब्लेस्ड टू बी हियर. एवरीथिंग हियर, और पूछो मत, फूड यहाँ पे इतना टेस्टी. आई डोंट नो, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है बट आई लव द फूड. हमारे यहाँ पे हमारे जो मेस में है वी गेट वेरी गुड फूड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. मंथली इज वेरी रीजनेबल ऑल्सो, लाइक अराउंड 1000 to 1500 में आपका मंथली हो जाएगा एंड आपका हॉस्टल रेंट भी बहुत कम है. सो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में. थैंक यू अंकिता दैट मच ऑफ टाइम गिविंग. एंड अभी जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है इसके लिए क्या कहना चाहते हो? जो कैट के लिए तुम कैसे प्रिपरेशन किया था एंड जॉब के साथ साथ तुम कैसे कैट प्रिपरेशन किया था? तो आई विल से कि मैंने तो टाइम इंस्टीट्यूट से किया था एंड मेरा ऑफलाइन मोड पे था. फिर उसके बाद कोविड आया देन इट बिकेम ऑनलाइन. तो मैंने आधा से ज़्यादा प्रिपरेशन ऑनलाइन ही किया था. एंड आई विल से कि यार डरो मत, कैट इज़ नॉट सो हार्ड, हो जाएगा. इट्स लाइक वेरी, इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट एंड इफ़ यू, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, अगर वो जील हो ना, यू कैन डू इट. सो आई विल से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. ओके, थैंक यू सो मच. मतलब ज़्यादा टाइम तुम्हारा ले लिया ऐसा नहीं. हाँ, बट हाँ, थैंक यू सो मच. बाय.